हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबका वेलकम है हमारे किचन में भी, क्योंकि आज से मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पाया करी, जिसको पाए का सालन और पाए का रस्सा भी कहा जाता है। तो चलिए देखते फटाफट से। तो पहले मम्मी ने जो पाए है उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब उसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बड़ी सौंफ। ये सबके घर में अवेलेबल होती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। ये करी बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे इसका पिक या फिर वीडियो सेंड कीजिएगा। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। तो हमने ले लिया है 2 तेज़पत्ते और 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची, जिसको काली इलायची भी बोलते हैं, फिर 4 छोटी इलायची, और हम डालेंगे इसमें कुछ काली मिरी, 7-8 पीसेस काली मिरी के और 7-8 पीसेस लौंग के, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक शमक। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो अभी हमने इसमें बस 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी भी आप लोग मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डालिए। हमने यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला है। तो ये 4 पाए हैं और कुकर भी आप लोग हमारा देख सकते हो, तो इसके हिसाब से हमने 1 लीटर इसमें पानी डाला है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा और लीड लगा के इसको फास्ट गैस पे रखिएगा 5 से 6 विसल होने के लिए। फिर आप लोग एक बार उसे खोलकर देख लीजिएगा कि पाए अच्छे से गले या नहीं। अगर नहीं गले हो तो 1-2 सीटी और लगा दीजिएगा, ठीक है। ये हो गई लंच की तैयारी, और यही पे साथ ही साथ डिनर की भी तैयारी कर रहे हैं मम्मी। तो डिनर में बना रहे हैं गवार, तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पाए गलने के लिए रखा है, तब तक हम करी की तैयारी करते हैं यानी कि सालन की। तो एक बर्तन में मम्मी 4 से 5 स्पून जो है वो तेल डाल रहे हैं, ऑयल। तो तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, जिसमें मम्मी ने डाला है 2 तेज़पत्ते, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिरी और लौंग। तो अब इसको अच्छे से हम लोग गरम होने देते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे एकदम थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी नाम के लिए प्याज डालनी है, और उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने रख देना है। प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डाल देंगे मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच लाल कश्मीरी पाउडर जिससे कलर आएगा हमारे सालन में, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे मटन मसाला। अगर आप लोग के पास अवेलेबल हो तो आप लोग डालिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो के चक्कर में हम एक मेन स्टेप भूल गए थे, वो ये है कि ये जो ऑनियन है, जब हम लोग पाए गलने के लिए रखते हैं तभी ऑनियन डाल देनी होती है, पर हम लोग भूल गए थे, इसके लिए सॉरी फैमिली। अब 1 ही सीटी हुई थी कुकर की, तो अब हम लोग इसमें प्याज डाल रहे हैं, फिर वापस से लीड लगा कर इसको रख देंगे। तो जी 5-6 विसल हो गई थी, और आप लोग देख सकते हो कि पाए कितने अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो यही परफेक्ट टाइम है कि अब पाए को इस जो करी का मसाला है इसमें डाला जाए। तो आइए अब हम सब पाए लेंगे और इसमें डाल देंगे। हमने जो है वो बस पाए इसमें डालने हैं, जो सूप है वो अभी नहीं डालना है। पहले इस मसाले में हम लोग अच्छी तरीके से पाए भून लेंगे, उसके बाद सूप डालेंगे, ठीक है। अब जो पाए है वो हमने सब इसमें डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनने के लिए 5 से 10 मिनट रख देंगे। अभी से ही इसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और कलर भी देखिए, करी का जो कलर है वो कितना अच्छा आया है, मतलब उसको देख के इतना टेस्टी लग रहा है, वाओ। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाँच से सात मिनट अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ये जो सूप था वो, इसको अच्छे तरीके से इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो इसको स्टर करते रहना है आपने,
और एक भी स्टेप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो ये देखो, वाओ। अब हम इसमें थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे, कोरिएंडर अच्छे से कट कर कर, और रेडी हो गया है हमारा सालन। इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे और फिर हमारा सालन हो गया है रेडी। तो हो गया है हमारा सालन रेडी। अब हम इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो बिलीव मी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। हम लोग तो हमेशा खाते हैं मम्मी के हाथ का पाए का सालन। आप लोग अगर खाना चाहते हो तो खुद ये वीडियो देखकर घर पे ट्राई करो, और ट्राई करोगे तो इसका वीडियो और फोटोज़ निकाल के मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए फैमिली, अगर आप लोग को ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए रेसिपीज़ के, तो मुझे DM करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।